आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी साहित्य, जिसमें पहला प्रश्न पत्र यानी फर्स्ट पेपर का यानी तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। और ये जायसी जो आपके, इसके दो भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। और इस तीसरे भाग में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, और वो टॉपिक बहुत ही यानी आप सभी के लिए जो अनिवार्य भी है, तो इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। और इसमें से कैसे प्रश्न आ सकते हैं उनके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। जायसी वाला पार्ट बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक इसको इसका अध्ययन करें, क्योंकि इसमें कुछ जो शब्द हैं वो टफ हैं, और परीक्षा में भी इससे संबंधित व्याख्या मुख्य रूप से आती है। मोस्टली जो है इसमें से एक व्याख्या जरूर आती है, तो आप इसको अच्छी तरह से देखें। बिल्कुल सरलता से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और आप यूं कह सकते हैं कि जब आप एक बार दो बार पढ़ेंगे तो वो पूरा आपके याद हो जाएगा। आप अपनी बुक से मिलान करते हुए देख सकते हैं इसको, या फिर ऐसे ही आप देख सकते हैं, बुक से मिलान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूरे जो छंद है वो लिखे हुए भी हैं। तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। देखिए, आपके लिए इस चैनल पर जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर, पर्यावरण, गांधी जीवन और दर्शन, इनसे संबंधित जो विषय हैं वो आपके लिए पढ़ाए जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने के लिए उत्साह प्रेरित करें। सिंगल दीप वर्णन खंड पढ़ेंगे आज। सिंगल दीप, जिसके बारे में आपने नाम सुना होगा, इससे पहले हमने जो पद्मावती की जो कथा है वो हमने पहले वीडियो में जिक्र कर ली थी कि पद्मावती कौन थी, सिंगल दीप क्या था, पद्मावती कहाँ की थी, इन सभी के बारे में पूरी शॉर्ट कथा मैंने आपको पहले वीडियो में बताई है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा वहां पर आपके लिए यानी जो ये जो पद्मावती लिखने वाले मलिक मोहम्मद जायसी है, उनका परिचय भी उसमें मिलेगा, और उनकी काव्यगत विशेषताएं भी जो है पहले वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। सिंगल दीप वर्णन खंड में, सिंगल दीप जिसका हम वर्णन कर रहे हैं वो पद्मावती, राजकुमारी पद्मावती के पिता का राज्य था, यानी जिस राजा का नाम था गंधर सेन, यानी गंधर सेन की पुत्री थी ये पद्मावती सिंगल दीप, जिसको हम आज श्रीलंका कह सकते हैं, जिनको आज हम श्रीलंका कहते हैं। तो देखिए, सिंगल दीप कैसा था। जायसी कहते हैं कि सिंगल दीप कथा अब गाओ, ओशो पद्मनी बरणी सुनाओ। सिंगल दीप यानी जैसे आपको करना तो वही है, एक तो प्रसंग करना है, इसके बाद व्याख्या करनी है, उसके बाद विशेष करना है। तो प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि जायसी द्वारा विरचित पद्मावत के सिंगल दीप खंड से लिया गया है, जिसमें सिंगल दीप की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो प्रसंग तो आप इसमें लिख देंगे, इसके बाद व्याख्या देखिए। कवि कहते हैं कि सिंगल दीप की का वर्णन अर्थात सिंगल दीप की कथा का गान या सिंगल दीप की महिमा का वर्णन करता हूं, और वहां की पद्मिनी का के बारे में भी आपको सुनाता हूं। निर्मल दर्पण भांति विषय का जो जे ही रूप तेसे देखा, अर्थात पद्मिनी का जो रूप सौंदर्य था, पद्मिनी का जो रूप सौंदर्य था, एक विशेष रूप से दर्पण की भांति था, जो भी उसमें जिस भावना से देखता था उसे वैसी ही भावना दिखाई देती थी। यहां पर जैसे तुलसी की वो युक्ति याद आ जाती है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी पद्मावती का जो सौंदर्य था वह बहुत ही निर्मल था, दर्पण की भांति था, जिसमें व्यक्ति जो है अपनी मन की भावना को यानी देख सकता था, जैसी उसकी भावना थी वैसा दिखाई दे सकता था। तो यहां पर आध्यात्मिकता का भी वर्णन किया गया है। धनिसो दीप जय दीपक बारी, ओ पद्मनी जो दई समारी, अर्थात धन्य है वह दीप, अर्थात सिंगल दीप वर्णन तो धन्य हो गया था, जहां पर पद्मिनी जैसी राजकुमारी जो है वो सजा संवरा करती थी। सात दीप बरने सब लोगु, एकोन दीप ओहि सर जोगु। लोगों ने सात दीपों का वर्णन किया है, लेकिन एक भी दीप है वो सिंगल दीप जैसा नहीं है, सिंगल दीप के योग्य नहीं है। सात दीप बरने सब लोगु, सभी लोगों ने सात दीपों का वर्णन किया है। अब वो सात दीप कौन कौन से हैं वो भी इसने बताए हैं कि सात दीपों का वर्णन किया है, लेकिन कोई भी दीप जो है वो इनके समान नहीं है। दिया दीप नहीं तस उजियारा, अर्थात सबसे पहले दिया दीप का वर्णन करते हैं कि दिया दीप जो है उसमें भी यानी सिंगल दीप जैसा उजाला नहीं है। शरण दीप सर हो ही न पारा, और शरण दीप नामक जो दीप है वह तो सिंगल दीप के समान हो ही नहीं सकता।
जम्बू द्वीप कहो तो सुनाई, जम्बू द्वीप जो है किसी भी तरह से सिंगल द्वीप के समान नहीं है। लंका द्वीप श्री पूजन छाई, यानी लंका द्वीप श्री पूजन छाई, और लंका द्वीप तो उसकी परछाई के बराबर भी नहीं है। द्वीप कवस्थल आरन पारा, द्वीप महुस्थल मानुष हरा, अर्थात ना तो महुस्थल है और ना ही वो गर्भस्थल द्वीप जो है, ये सारे जो द्वीप हैं वो यानी इतने हरे भरे और इतने सुहाने नहीं है। आगे लिखता है कि सब संसार पर्थ में आए सातों द्वीप। कवि जायसी कहते हैं कि पूरे संसार में ये सात द्वीप ही सबसे पहले आए थे। एक द्वीप नहीं उत्तमी सिंगल द्वीप समीप, अर्थात सिंगल द्वीप के समान कोई भी द्वीप है वो उत्तम नहीं है। तो इसमें एक तो भाषा ठेठ अवधि है, कौन सी है, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा इसमें अलंकारों में रूपक उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और तीसरा इसमें यानी ये जो द्वीप जो है अर्थात सिंगल द्वीप को स्वर्ग के समान बताया गया है, यानी इसमें आध्यात्मिकता के दर्शन भी होते हैं। तो आप इसे इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा लिखा है कि गंधर्व सेन सुगंध नरेशु सो राजा वे ताकस ताकर तेसु, और इस सिंगल द्वीप का राजा गंधर्व सेन है जो कि सभी राजाओं में योग्य है, सभी राजाओं से ताकतवर है। लंका सुना जो रावण राजू तेही चाहे बड़ ताकर साजू, आपने लंका जैसे लंका के राज्य या लंका पर राज करने वाले रावण के बारे में सुना होगा, उनके भी यहाँ पर इतना बड़ा राजसाज नहीं था, यानी जो गंधर्व सेन का राजसाज है वो लंका के राजा रावण से भी बढ़कर था। 56 कोटि कटक दल साजा सभे छत्रपति ओगढ़ साजा, 56 कोटि कटक दल साजा अर्थात 56 करोड़ सेना के जो सैनिक है वो हमेशा सुसज्जित रहते थे। 56 करोड़ सैनिक या सेना का जो दल है वो हमेशा सुसज्जित रहता था। सभी छत्रपति ओगढ़ राजा, और वह सभी राजाओं में छत्रपति था, सभी राजाओं का राजा था। सोरे सहस घोड़ घोड़सारा, यहाँ पर 16 हजार घोड़े और घुड़साल हैं। श्याम करण और बांक तुखारा, यहाँ पर श्याम वर्ण के और सफेद, यानी यहाँ पर श्याम वर्ण और सफेद तुर्की घोड़े यहाँ पर रखे जाते हैं, यानी तुर्की घोड़े जो है यहाँ पर रखे जाते हैं। सात शेष हस्ती सिंगली, यहाँ पर 7 हजार सिंगली हाथी बंधे हुए रहते हैं। जनु कबिलास एरावत बली, और यहाँ पर देखने पर स्वर्ग का सा आभास होता है। यहाँ के एरावत हाथी जो है, एरावत जो हाथी है वो यहाँ पर रहता है, और यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ जो है एक तरह से स्वर्ग का सा आभास होता है। अश्वपतिक सिर मोर कहावे गजपतिक अंकुश गजनावे, यहाँ पर जितने भी जो अश्वपति हैं सभी अश्वपतियों में यह सिरमौर है, सबसे दिव्य है, सबसे महान है, और गजपतियों को भी उनके सामने सर नवाना पड़ता है, अर्थात गजपतियों को भी उन्होंने अपने नियंत्रित कर रखा है। नरपतिक कहें और नरेंदु भूपतिक जह दूसर इंदु, नरपतियों में ये राजा नरेंद्र के समान अर्थात राजा इंद्र के समान है, और इस संसार में दूसरे इंद्र हैं। भूपतिक जगदूसर इंद्र अर्थात इस संसार ब्रह्मांड में दूसरे इंद्र के रूप में राजा गंधर्व सेन का राज्य चलता है। ऐसे चकवे राज चहुं खंड भय होई सबे सिरनाय नवई सर्वरिन कोई, अर्थात इस प्रकार के राजा छत्रपति के राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, और सारे लोग हैं वो प्रजा जो है वो बिल्कुल सुखी है। सबे आय सिर नवई सर्वरि करेन कोई, अर्थात इस राजा के सामने सभी आकर के सर नवाते हैं, इनकी बराबरी कोई भी नहीं करता है। तो इसमें भी आपकी भाषा अवधि है, ठेठ अवधि का प्रयोग हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार के घोड़ों की नस्लों के बारे में बताया गया है। इसमें जो है यानी विभिन्न अलंकारों में आप अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें जहाँ है यानी उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, नहीं यह सात से शस्ती जनु सिंह जनु कबिलास है ना, ये एरावत पल्ली, तो यहाँ पर यानी ये अलंकार का प्रयोग हुआ है।
अगला वर्णन करता है कि जब ही दीप नियरावा जाई जनु का विलास नियर भाई। जो जो हम इस सिंगल दीप के नजदीक जाते हैं तो हमें स्वर्ग का सा आभास होता है, ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए हैं। घन अमराऊ लाग चहुपासा, चारों तरफ आम्र के वृक्ष फले हुए हैं, आम्र के वृक्ष लगे हुए हैं। उठा भूमि हुत लागी आकाशा, और वे भूमि से आकाश को छू रहे हैं। मतलब आम्र वृक्षों के, आम्र के इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि वो आकाश छू रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार है, ध्यान रखना, क्योंकि आकाश को छूने वाले पेड़ आज तक उगे नहीं। घन अमराऊ लागी उच्चम पासा, उठा भूमि हुती लागू आकाशा। आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। तरवर सवे मलयगिरि लाई, और बही जग छाया रेन होई आई। और ये सारे के सारे जो पेड़ है वो मलयगिरि से लाए गए हैं, और यहाँ के इन वृक्षों की छाया से चारों तरफ रात्रि हो गई है। मलय समीर सोहावन छाहा, जेठ जाड़ लागे तहमा। इसे मलय समीर सोहावन छाहा, अर्थात यहाँ की जो छाया है, अर्थात इन आम्र वृक्षों की छाया है, वो मलय के समीर जैसी लगती है। अर्थात मलयाचल पर्वत से आने वाली जो हवा है उसकी तरह सुहानी लगती है। और जेठ जाड़ लागे तहि महा, अर्थात जेठ के महीने में भीषण गर्मी में भी यहाँ पर एक शीतलता का अनुभव होता है। ओहिछा रेनी होई आवे, ओहिछा रेनी होई आवे, हरियर सबे आकाश दिखावे। अर्थात यहाँ पर इन वृक्षों की छायाओं से चारों तरफ रात्रि सी छा जाती है, और इनकी हरियाली जो है यानी आकाश में भी, अर्थात दिन उगने पर भी यहाँ पर रात्रि सी छा जाती है। हरियर सबे आकाश तक, यहाँ के जो हरियल अर्थात हरे भरे वृक्ष हैं वो सभी आकाश की तरफ दिखाई दे रहे हैं, अर्थात आकाश की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पथिक जो पहुंचे सही के घामों, दुख बिसरे सुख होई विश्राम। जो भी पथिक यहाँ पर धूप को सहन करके और यहाँ पहुंच जाता है, वह अपने दुख बिसर जाता है, भूल जाता है, और यहाँ विश्राम करने लग जाता है, अर्थात यहाँ स्वर्ग का सा आभास होता है। जय वे पाइन छाव अनुपा, फिर नहीं आई सहे ये दुपा। जो भी इस अनुपम छाया का स्पर्श पा लेता है वह फिर इस धूप में कभी भी नहीं जाता है। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त हो जाता है जिससे वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। अस अमराऊ सघन वन बरनिन पारो अंत, फूले फरे छव ऋतु जान सदा बसंत। कवि जायसी कहते हैं कि यहाँ के आम्र वृक्ष इतने सघन हैं कि इनका, इनकी विस्तृतता का, इनकी सुंदरता का अंत ही नहीं किया जा सकता, अर्थात उनकी सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यहाँ तो छव ऋतुएं हर समय फलती फूलती रहती है, अर्थात यूं कहा जा सकता है कि यहाँ पर सदा बसंत ऋतु रहती है। इसमें भी बात वही है, भाषावती है, अलंकार इसमें अनुप्रास का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास के साथ साथ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। अगला देखिए, अगले में लिखा है कि फरे आम्र अति सघन सोहाए, ओजस फरे अधिक सिर नाए। और यहाँ पर आम्र के वृक्ष इतने अधिक सुहाने और फले हुए हैं, और फिर भी वो विनीत व्यक्ति की तरह पृथ्वी की तरफ सर नवा रहे हैं। अर्थात अधिक आमों से वृक्ष इतने लद गए हैं कि उनकी डालियां नीचे झुक गई है। इससे ऐसे आभास होता है कि एक महान व्यक्ति जो होता है वो हमेशा विनीत होता है। कटहर डार पिंड सन पाके, बड़हर सो अनूप अति ताके। अर्थात कटहल और डार नामक जो पेड़ है अर्थात फल है वो भी पक गए हैं, और बड़हर जो है इसकी अति सुगंध आ रही है। खिरनी पाकी खांड अस मीठी, खिरनी जो है वो पाक करके परिपक्व होकर के और शक्कर जैसे मीठी हो गई है। जामुन पाकी भंवर अस दीठी, अर्थात जामुन के जो पेड़ हैं वो पक करके काले भंवरों की तरह हो गए हैं। नुरियर नरियर फरे फरी फरहरी, फूरे जानु इंद्रासन पुरी। और नारियल के पेड़ भी बहुत ही फल फूल रहे हैं इन सभी वृक्षों को, और फलते फूलते हुए देखने पर लगता है कि यह सचमुच में इंद्रपुरी है, अर्थात इंद्र का नगर है। पुनि महुआ चू अधिक मिठासु, और महुआ जो है वो पक करके और अधिक मीठा हो गया है, सुगंध अर्थात शहद की तरह वो मीठा हो गया है। मधु जस मीठ पुह जसवासु, और यहाँ के जो फूल हैं फूलों में मधु जैसे अर्थात
शहद जैसी भीनी भीनी सुगंध आ रही है, और खजहजा अनबन नाऊ अर्थात अनगन नाऊ। और ये कहते हैं कि और भी खाने वाले जो फल हैं अनगिनत है, देखार सब रावण अमराऊ, जो कि रावण के बगीचे में देखे गए हैं, वो सारे के सारे वृक्ष इसमें हैं। लाग सभी जिस अमृत साकार है, लोबाई सोच से जाता। यहाँ पर जो है ऐसा लगता है कि अमृत की शाखाएं फलीभूत हो रही है, अमृत के समान शाखाएं प्रतिकूल फलीभूत हो रही है। रहे लोबाई सोई जस चाका, और जो भी जिसने भी इसको चाका है वो इसे लुभा रहा है, अर्थात उसका मन यहाँ लग गया है। लवंग सुपारी जायफल सब फरे फर फरे अपूर, और यहाँ पर लौंग सुपारी और जायफल जैसे पेड़ जो है वो फलीभूत हो गए हैं। आस भास गन इमली ओतन तार खजूर, आस पास पर इमली है और खजूर के जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो फले फूले हैं, अर्थात बहुत अधिक शोभा देने वाले हैं। तो इसमें भी बात वही है, यानी वासावती है, और सिंगल दीप का वर्णन किया गया है, अनुप्रास रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला और अंतिम देखिए, लिखा है कि बसई पंख बोलई बहु बाका, और इस सिंगल दीप में विभिन्न प्रकार के पक्षी जो है अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। करही उल्लास देखी के शाखा, इस बगीचे को देख करके, शाखाओं को देख करके और खुश होकर के और विभिन्न वाणियों में आराधना करते हैं। भोर होते ही बुल बोलही चूह चूही, बोलही पांडुक एके तुही। यहाँ पर चूह चूही नामक जो पक्षी, एक छोटी सी चिड़िया होती है, वो सवेरा होते ही ईश्वर की आराधना शुरू कर देती है, और पांडुक नामक जो पक्षी है वो भी ईश्वर की आराधना एके तू ही के रूप में करता है। सारो सुआ जो रह चह करई, अर्थात यहाँ पर सारी सारी का ये तोता और मैना है वो भी चहचहाट करते हुए सुंदर लग रहे हैं। पुरही परेवा और करवा रही, और यहाँ पर परेवा नामक पक्षी, परेवा यानी परिंदा, परिंदा यानी कबूतर, कबूतर भी यहाँ पर जो है गुटर गूं कर रहा है। पीयू पीयू कर लाग पपीहा, तुही तुही कर गुड़ी जीहा, और यहाँ पर जो पपीहा है वह पीयू पीयू की आवाज में बहुत ही सुंदर राग अलाप रहा है, और गुड़री नामक गडूरी नामक जो पक्षी है वह पक्षी ईश्वर की आराधना तू ही कर करके ईश्वर की आराधना करता है। कुहू कुहू कर कोयल राखा, और कुहू कुहू करके कोयल जो है इस बाग बगीचे को सुंदर बना रही है। ओ भृंगराज बोलंग वो बाका, और भृंगराज अर्थात मधुक जो है, भंवरे जो है वो भी अपनी आवाज में बोल करके इस सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। दही दही करी महरी पुकारा, महरी नामक जो ग्वालिन नामक पक्षी है वो दही दही की आवाज कर में पुकार रहा है। हारिल बिन भी आपन हारा, और हरियल नामक पक्षी भी इस बगीचे में निवास करता है। कुहू कही मोर सुहावन लागे, और कूकते हुए मोर भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। होई कुराहर बोलही कागा, और कोवे हैं वो भी इस आम्र वृक्ष में शोर मचाते हैं। जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराव, अर्थात यहाँ पर जितने प्रकार के पक्षी होते हैं वो सारे प्रकार के पक्षी हैं वो इस बगीचे में बैठे हैं। आपनी आपनी भाषा लई दई करना हो, और तो अपनी अपनी भाषा में अपने ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, यानी प्रत्येक पक्षी है वो ईश्वर की आराधना करता हुआ सा प्रतीत होता है। उम्मीद करता हूँ ये पाठ आपके समझ में आ गया है। पाठ कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसमें से प्रश्न जो है, प्रश्नोत्तर वीडियो में से आपको बता दिए गए हैं, और भी इसमें से कोई अच्छे जो प्रश्न होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके बहुत पसंद आएगी, और आप इसके सारे जो चैप्टर हैं वो अच्छी तरह से याद करेंगे। तीनों वीडियो जो हैं वो आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ताकि जाय सी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, आगे भी काम आए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।